अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर लाइव आई हूँ आप लोगों को मेहंदी के डिज़ाइन दिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़े मेरे साथ। मैंने कल एक मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आज हम इसी फ्लावर को यूज़ करते हुए एक न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप लोग जुड़ें मेरी लाइफ में, सपोर्ट करें मेरे चैनल को और हम दूसरा डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स किया करें कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक करें मेरे चैनल पर, जुड़ें मेरे साथ। मैं मेहंदी के डिज़ाइन सिखाना चाहती हूँ, इस चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ। तो मेरी ऑडियंस के साथ ही ये मुमकिन है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर मेरा साथ दें। और शुरू करते हैं आज की लाइव और मेहंदी के डिज़ाइन। मैं अरेबिक स्टाइल में मेहंदी डिज़ाइन सिखाने की कोशिश कर रही हूं, और आप लोगों को किस तरह की मेहंदी डिज़ाइन सीखनी है तो मुझे बताइएगा। ये देखें, ये कल मैंने बेल डिज़ाइन बनाई थी, इस तरह से है। तो आज हम इसी फ्लावर को भी लेंगे और एक न्यू बेल डिज़ाइन सीखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइव में ज्वाइन हो और शेयर किया करें मेरी लाइव को और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आप लोगों से ही ये मुमकिन है कि मैं इस चैनल को आगे लेकर जा सकूं। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने अभी स्टार्ट करने लगे हूँ। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आए, इसलिए मैं लाइव आकर वीडियो ये मेहंदी की सिखाने की कोशिश करती हूँ अक्सर। तो आप लोग देखें, सीखें और कमेंट्स लाजिम करिएगा। तो देख सकती हैं हम लोगों ने कल ये जो फ्लावर मैंने बनाया है ना, तो मैंने यहाँ पर भी फ्लावर यही यूज़ करना है, लेकिन डिज़ाइन चेंज करेंगे हम लोग। तो मैंने लीव्स डाल दी हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने फ्लावर की एक शेप देनी है। इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने फ्लावर की टहनी को घुमाकर इस तरफ लाना है। ऐसे ये टहनी आगे डिज़ाइन लेकर जाएगी। मैंने फ़िलहाल इसको ड्राइंग कर रही हूँ कि आप लोगों को भी समझ आए, बाद में फीलिंग होगी इसमें, ठीक है। ये ड्राइंग हमारी यहाँ पर हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लावर और क्रिएट करना है। जब तक फ्लावर क्रिएट यानी ड्राइंग नहीं करेंगे, तब तक आप मेहंदी का डिज़ाइन नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने ड्राइंग करनी है पहले। ये मैं ड्राइंग कर ही डिज़ाइन लाऊंगी।
ये देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिए और आगे की तरफ ये बेल डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से तो हमने यहाँ पर भी सेम फ्लावर बनाना है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे लेकर इस तरह से हम लोगों ने इधर भी एक फ्लावर ड्रॉ करना है। ये देख सकती हैं हम लोगों ने तीन फ्लावर बना लिए। तो इसी तरीके से आप लोग और भी फ्लावर बना सकते हैं। तो अभी हम इसको ना सही से डेकोर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि कैसा लुक आता है, आप लोग देखें। तो यहाँ पर ना मैंने अभी लीव्स का डिज़ाइन डाल रहा है इसके अंदर इस तरह से। तो दूसरे में भी लीव्स का डिज़ाइन करेंगे। अभी ये जो है ना ये लीव्स नहीं है, ये फ्लावर की एक पंखुड़ी है, स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम लोग ऐसे ही लाइंस डालेंगे। तो और बाहर की तरफ से भी ऐसे अंदर हम शेड दे देंगे। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आपको किस तरह की मेहंदी सीखनी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली लाइफ आकर आप लोगों को मेहंदी डिज़ाइन दिखाऊं। मैं अपने माइंड से मेहंदी के डिज़ाइन करती हूँ, कभी इंडियन कभी पाकिस्तानी। तो आप लोगों को किस तरह से सीखनी है मेहंदी, ये बिगिनर्स के लिए तो ईजी है कि मैं लाइव आकर आप लोगों को स्लो सिखा सकती हूँ। आप लोगों के लिए फ़ायदा है इसमें कि आप लोग न्यू हो तो स्लो हाथ ही होता है अक्सर लड़कियों का, तो इस पर आप कर सकती हैं प्रैक्टिस मेरे साथ साथ। तो ये देखें हम लोगों ने फ्लावर की शेडिंग पूरी थोड़ा सिग्नल का इशू हो गया था तो ये मैंने रोक दी थी ताकि आप लोग देख सकें साथ में। तो अभी हम लाइंस इसकी कर लेंगे। और ये जो हमने फूल बनाया उसको भी थोड़ा डार्क करेंगे।
और इसको भी इस तरह से डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। ये हो गया। अभी हम ना इधर छोटे से फ्लावर बनाएंगे। ये सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन मुझे लगता है कि ये मैंने अपने माइंड से बनाया है, किसी को कॉपी नहीं किया, तो ये न्यू डिज़ाइन है। इस तरह के फ्लावर और लीव्स, अरेबिक डिज़ाइन है तो इसमें लीव्स तो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से मैंने भी लीव्स यहाँ पर बनाए हैं। इस तरीके से ये एक फ्लावर कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लाइन से आगे जाएंगे, इसको थोड़ा हम लाइंस को डार्क करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक आइडिया भी दे सकती हूँ। आप लोग चाहें तो कॉपी पेंसिल पर ये डिज़ाइन मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, बाद में मेहंदी लेकर कॉपी पर, क्योंकि डिज़ाइन हो जाएगा तो बाद में मेहंदी लेकर उससे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं स्टार्ट। तो मुझे इतना सही लग रही है। अगर आप चाहो तो ज़्यादा लाइंस को वो कर सकती हैं, डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लीव्स ऐसे पत्ती निकालूंगी, एक लीव्स कह लें, पत्ती कह लें। तो अभी हम यहाँ पर ऐसे कहीं कहीं पर लीव्स और ये डिज़ाइन निकालेंगे। यहाँ पर भी सेम हम शेडिंग करेंगे। और लीव्स की सेम तरीके से।
ये देख लें, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये कुछ इस तरह से है। ये मैंने बिगनर्स के लिए ज़्यादातर करके बनाया है। अगर देखें हम इसको भी थोड़ा और अगर करना चाहें ज़्यादा तो कर सकते हैं। यहाँ पर सेम पैटर्न से लीव्स डालकर हैवी करना चाहें तो इस तरह से। इस साइड पर भी लीव्स के लिए हम ये इस तरह से करेंगे। ये लीव्स यहाँ पर बना सकते हैं हम। आपको मैंने जो कल लाइव आकर डिज़ाइन दिखाया था वो भी दिखाया है। फ्लावर सेम है, बस हम लोगों ने डिज़ाइन चेंज किया है। ये मैं अपने माइंड से चेंज करती हूँ, मुझे अपने माइंड से मेहंदी करना अच्छा लगता है। तो मेरी नज़र में इस तरह का डिज़ाइन अभी तक तो नहीं मैंने देखा कि यूट्यूब पर आया हो। मेरी कोशिश यही है कि मैं यूट्यूब पर किसी को काम सिखाऊँ और अपने काम के अपने हुनर से इस चैनल को आगे लेकर जाऊं। मैं नेल आर्ट का भी वीडियो कर रही हूं, इस पर कपड़ों का भी, ड्रेस का, साथ में मेहंदी का। तो आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए मेरे चैनल पर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने लाइव ज्वाइन फुल की है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइव तो आप लोग कमेंट्स लाजिम करिएगा। कल मैं एक और नया डिज़ाइन लेकर आऊँगी। देखें ये आज का है हमारा और ये मैंने कल आप लोगों को लाइव आकर दिखाया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। ये मैंने एक ही फ्लावर है लेकिन डिज़ाइन मुख्तलिफ है। अगर आप लोगों को इस तरह के डिज़ाइन सीखना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें चैनल और कमेंट्स करके मुझे हौसला ज़रूर दिया करें। आप लोगों को कमेंट्स मुझे हौसला देंगे इस चैनल को आगे लेकर जाने का। बहुत सारा शुक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा।